हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शैव्या, आप लोगों के टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक, आने वाला नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोगों के लिए, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, अपनी करियर लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गणपति बप्पा का नाम लेकर। ओम गं गणपतये नमः। हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ कैप्रिकॉर्न। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में हम आप लोगों के लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट वीक। थैंक यू। ओके, वी हैव टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन, ब्यूटिफुल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ लोगों को ना अपनी स्लीपिंग साइकिल्स ठीक करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अगर आप रात के प्राणी हैं और तो यहाँ पर दिन के प्राणी बनने का समय आ गया है। थोड़ा सा दिन में सन की एनर्जी लीजिए, सन की एनर्जी के साथ काम कीजिए। ओके, आई थिंक दूसरा कार्ड यहाँ पर लेना चाहिए मुझे, ये कार्ड आना नहीं चाहता था। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके करियर में मुझे इन जनरल नज़र आ रहा है कि आपके करियर में ना कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, कहीं से पैसा आप लोग रिसीव कर सकते हैं, इनकम आपकी बढ़ सकती है और साथ में ना यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। हो सकता है कि आप ऐसे कोई स्किल सीख लें या फिर यस कुछ ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएँ और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो पाएँ। इतना स्ट्रॉन्ग आप लोग हो रहे हैं कि आप लोग दूसरों में भी अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं, पैसा है, वो बांट रहे हैं। बरकत आ रही है आपके लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ मुझे लगता है गुड लक फॉर्च्यून आपके फेवर में रहने वाला है, किस्मत आपके फेवर में रहने वाली है इस हफ्ते, ठीक है। और सन के साथ मुझे लग रहा है सफलता आ रही है आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ सक्सेस या फिर गुड न्यूज़ या विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। कहीं ना कहीं ट्रैवल के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नेम फेम आपका बढ़ सकता है इस हफ्ते और आपका जो नाम है आपकी आपकी कॉलोनी में, आपकी कम्युनिटी में बढ़ सकता है, आपकी क्लास में, आपके ऑफिस में बढ़ सकता है आपका नाम। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग टीम स्टडी करते हुए, ग्रुप स्टडी करते हुए भी आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और लोगों को अपना ज्ञान भी बांट रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी अपना ज्ञान बांट रहे हैं और काफ़ी फोकस के साथ आप लोग काम कर रहे हैं अपना। और साथ में ना यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस को क्रिएट आप लोग कर रहे हैं, माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस आप लोग लेकर आ रहे हैं इस हफ्ते। दैट मींस कि अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आप लोग बैलेंस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर ये जो वीक है आप लोग इन्जॉय काफ़ी करेंगे और लोगों के साथ मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का हो सकता है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ना बट अपने अंदर ही आप लोग बैलेंस महसूस करेंगे, पेशेंस मतलब धैर्य महसूस करेंगे, पीस शांति महसूस करेंगे अपने अंदर। ओके, एंड साथ में ना यहाँ पर काफ़ी डोनेशंस या चैरिटी भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग बिज़नेस में पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो बिज़नेस में आप लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट के जनरेट होने के आपके चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के वीज़ा या पीआर अप्रूवल भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते। कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस यस आप लोगों के लिए बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग हायर एजुकेशन के में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते थे तो यस डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल आ रहा है आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पर हैप्पीनेस से भरा हुआ ये हफ्ता रहने वाला है। बट आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्लीपिंग साइकिल्स पे काफ़ी ध्यान देने की आपको कोशिश करनी है, ज़रूरत है स्लीपिंग साइकिल्स पे काम करने की। ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए
लव लाइफ में अगर बात करें तो बहुत सारे प्रपोजल्स को आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं, बट आई थिंक कि आप लोग फ़िलहाल सिंगल रहना ही प्रेफर करेंगे और अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके लिए अरेंज मैरिज के काफ़ी सारे प्रपोजल्स आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में ना आप बहुत लविंग, केयरिंग, काइंड हो रहे हैं और बैलेंस लेकर आ रहे हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना वो अच्छा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल मुझे बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप, ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, स्टेबल नॉर्मल रिलेशनशिप आपका रहने वाला है। बट इस हफ्ते ना आप लोग बैलेंस रहेंगे हर चीज़ में, बट फोकस आपका जो ज़्यादा रहेगा वो करियर पे ज़्यादा हो सकता है इस हफ्ते, ठीक है। गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपके साथ आपके रहेगा इस वीक, ओके। जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इस हफ्ते, वो आपके फेवर में ही जाने वाली है। और सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, उसकी वजह से यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा परेशान महसूस हो सकते कर सकते हैं। तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा तकलीफ़ झेलनी पड़ सकती है और अपने पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपको सेल्फ लव करना, अपनी हीलिंग करना, हार्ट चक्रा की हीलिंग करना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ में ना आपके हेल्थ वाइज मुझे लग रहा है अपनी आँखों का, अपनी सर का ध्यान रखिएगा, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स का ध्यान रखिएगा, ओके। एंड अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रही है तो उससे भी आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, उसका ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। और सो यहाँ मुझे लगता है कि मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि लाइट जला के कुछ लोग ज़्यादा सो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है अपनी आँखों में, अपने सर में। तो यस, थोड़ा लाइट के साथ अपनी आँखों को रेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप ज़्यादा चला रहे हैं, तो उसको भी कम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड वैसे हेल्थ वाइज मुझे लगता है कि हीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, हील हो रहे हैं आप, किसी चीज़ से हील हो रहे हैं। और अगर आप किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे थे तो उसमें भी आपके लिए हीलिंग यहाँ पर आ रही है। अपनी इंट्यूशन की बात को सुनना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा इस हफ्ते। आप काफ़ी केयरिंग नेचर के, काफ़ी गिविंग नेचर के और सर्विंग नेचर के हो सकते हैं, तो ज़्यादा आपको ना गिविंग नेचर का नहीं होना है, ज़्यादा ही आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं किसी और को भी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड एनर्जी देनी है ताकि आपकी एनर्जी ना ड्रेन हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर लोगों से हेल्दी बाउंड्रीज रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। सो और क्या गाइडेंस आ रही है मकर राशि के लिए, कम्युनिकेट क्लियरली, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, ठीक है। अगर आप जो फील कर रहे हैं उसे बता नहीं पा रहे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको फील हो सकती है। यस, यहाँ पर यस आंसर है, अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो उसका आंसर यस है। और रोमांस आ रहा है भाई आपके लाइफ में, सेल्फ लव का मैसेज मुझे लग रहा है ये ज़्यादा तो, और आपकी लाइफ में ना रोमांस आ रहा है, सेल्फ लव भी कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। और अपने इंट्यूशन का ध्यान रखिए। एंड वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों की गाइडेंस, लोगों की हेल्प लेना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इस हफ्ते, ओके। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस। अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करेगा ये वीडियो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।